आज हम बॉलीवुड के ऐसे महान लेजेंड को ट्रिब्यूट देने जा रहे हैं जिनका मैं और आप तो फैन हैं, बल्कि दुनिया भर में इनके करोड़ों फैंस हैं। इन्होंने हर मूड के हजारों गाने गाए हैं। बॉलीवुड के ये महान कलाकार हैं हम सबके प्यारे किशोर दा। एक बार जोरदार तालियां किशोर दा के नाम पर। अभी 4 अगस्त को उनका 90th बर्थडे था और इन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए मैं इस मंच पे बुलाने जा रहा हूँ। आप सबकी डिमांड पे एक बार फिर से किशोर दा के सुपुत्र, वेरी टैलेंटेड वर्सटाइल सिंगर, द वन एंड ओनली अमित कुमार। वो ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी है मेरे दिल, सुना कोई कहानी। कपिल शर्मा जी मैं फिर से आ गया हूँ, आप बुलाए और मैं यहाँ हाजिर हूँ। लंबी सी एक डगर है जिंदगानी, चलिए शुरू करते हैं हंसाने की हम कहानी। चलिए शुरू करते हैं किशोरता की कहानी। नमस्कार नमस्कार अर्चना जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। दादा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। दादा आपका फिर से एक बार गर्म जोशी से स्वागत है। आपको पता है जब आप पिछली बार हमारे शो पे आए, पता नहीं कहां कहां से इंडस्ट्री से हम लोगों को फोन आए, लोगों ने इतना एपिसोड पसंद किया और हमने सुना दादा उसके बाद आपके शोज भी काफी बढ़ गए, तो हमारा कमीशन। ये बात तो सही है, यू आर राइट, लेकिन आपका टीआरपी भी तो बढ़ गया। है तो अंदर से बंगाली ना पूरे। चलिए हिसाब बराबर दादा, बराबर लेट्स चेंज द टॉपिक। एब्सोल्युटली जोरदार तालियां भी दादा के लिए। दादा आइए, मजा आज मुझे सोच सोच के मजा आ रहा है क्योंकि पिछले एपिसोड मेरे दिमाग में घूम रहा है। मैं जहां भी जाता हूँ शोज करने, मतलब कोई एयरपोर्ट में जा रहा हूँ तो एक बुढ़ी औरत है, आपने कपिल के शो में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू प्लीज दादा, थैंक यू थैंक यू। हाजिर जवाबी देख रहे हैं आप। ये जो विटीनेस है ये किशोरदा का भी अंदाज यही था। मैंने पहले भी कहा था कि हमारा दुर्भाग्य कह लें कि हमारी कभी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। मैंने देखा आप में ना बचपना बड़ा है, कि ये छोटी छोटी हरकतें करते रहते ना, मजा आता है देख के। अंदर का जो बच्चा है वो जिंदा रहना चाहिए, तो किशोरदा के बारे में भी हम यही सुनते हैं। तो वो तो जब जवान थे तब बच्चों वाली हरकतें करते थे, जब वो बच्चे थे तब कैसे बच्चे थे, मतलब पढ़ाई वढ़ाई में अच्छे थे किशोरदा? नॉट रियली। अच्छा मैथ्स में एकदम गड़बड़ थे मैथ्स में। अच्छा लेकिन हाँ कॉलेज के जमाने में संगीत तो उनका बचपन से, जैसा कि मुझे बताते थे जी कि उनके गुरु थे सैगल साहब, सैगल साहब को फॉलो करते थे, उन्हीं से जो भी सीखा उन्हीं से सीखा। और जब इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज 1945 में जब भर्ती हुए वहाँ पे जी, तो उस वक्त सैगल साहब के सब गाने उनको बाय हार्ट थे। अच्छा जी। तो एक बार मुझे उन्होंने कहा था कि ही टुक सिविक्स इकोनॉमिक्स कॉलेज में, तो वो मैल्थ्यूशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स में है, तो वो उनके दिमाग में घुस नहीं रहा था। Malthusian theory of population increases faster than means of subsistence unless prevented by powerful checks. Oh. अभी ये नहीं, ये उनके दिमाग में नहीं आ रहा था। अच्छा। ये पता नहीं, तो फिर उन्होंने वहाँ ट्यून बना लिया Malthusian theory। तो जस्ट इमेजिन ये चल रहा है, एग्जामिनेशन चल रहा है, Malthusian theory, Malthusian theory of population, Malthusian theory of population increases faster than means of subsistence unless prevented by powerful checks. Malthusian theory of population increases. अभी थैंक यू।
अभी पूरे क्लास सब गाना शुरू कर दिया तो प्रिंसिपल आ गए, क्या हो रहा है यहाँ पे बदतमीजी, ये क्या है, ये मच्छी बना रहे क्या? तो एक ने बोला, नहीं किशोर ने हमको सिखाया ये सर, अच्छा लग रहा है। मैं क्या क्या सिखाया, द एग्जाम इज गोइंग ऑन, व्हाट आर यू डूइंग? उन्होंने सिखाया हमको, इजी हो गया, मुझे भी सिखाओ। तो प्रिंसिपल को भी सिखा, प्रिंसिपल मैल्थसन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। पर ना दादा, ये बात आपने मजाक में कही, लेकिन ये ना मैं अपने एजुकेशन सिस्टम में अगर एक दो चीजें ऐसी ऐड हो जाएं, पर ये अच्छा आइडिया दादा, बहुत अच्छा। ये म्यूजिकल तरीके से जिनका इंटरेस्ट हो, करेक्ट। हाँ। उसी कॉलेज में वो अच्छा ही, मैं ऐसे बता रहा हूँ, पिताजी के जो खूबियां थी, ये खूबियां थी, ये तो था ही उनमें म्यूजिकल, ये और एक थे, ही वॉज अ वेरी गुड फुटबॉलर। अच्छा अच्छा। और बहुत दुबले थे और बहुत शर्माते थे, मतलब ही नेवर यूज्ड टू शो हिज बॉडी। तो जस्ट इमेजिन, गर्मी के मौसम में इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज में फुटबॉल मैच चल रहा है, सब जर्सी पहन के सब खेल रहे हैं, एक आदमी ओवरकोट पहन के खेल रहा है फुटबॉल, एंड दैट वाज माय फादर। कैसा लगता है, विजुलाइज कीजिए, सब ड्रिबलिंग चल रहा है, एक आदमी ओवरकोट पहन के, कारण क्या है? नहीं, नोबडी टू सी माय बॉडी, दुबले थे एकदम। पर अलग ही, अलग ही, मैं क्या बात है। अच्छा जी, पुराने लोग घरों के नीचे खजाना दबा देते थे ना, सेफ रहता है। हमने सुना आपके घर के नीचे कार दबी हुई है, गाड़ी। दादा ये बात हमने सुनी है, पता नहीं सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है, हमारे जो बंगला है, बंगला है अभी, मतलब किशोर साहब का बंगला, उसमें नीचे हिज फर्स्ट क्या कहूं, जब वो हीरो बने जी, तो फर्स्ट ही ब्रॉट दैट कार, ही परचेस दैट कार, उन्होंने गाड़ी, मेरी मम्मी और दोनों मिलके, ग्रीन कलर के, उस जमाने में 1949 ही ब्रॉट द कार, 50 में शादी हुई। अच्छा जी। वो गाड़ी 10-12 साल तक थी, मैंने गाड़ी देखा, 61 तक, 59 तक देखा। अच्छा जी। ग्रीन कलर की वो गड़ी हुई है, मतलब इट इज बीनीथ द हाउस। तो वो क्यों गड़ी दादा? बिकॉज माय पेरेंट्स गॉट सेपरेटेड, द डे दिस वाज माय फादर, द डे ही दे गॉट डिवोर्स, गाड़ी भी दफना दिया उन्होंने। ओह, दैट वाज माय फादर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.